हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी 1.2 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 2 केजी फल का दाम 250 रुपया है, यानी 250 रुपया है, तो 1 केजी 350 ग्राम फल का दाम कितना होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें बोला है 2 केजी का दाम 250 रुपया है, 2 केजी फल का दाम 250 रुपया है, तो हमें निकालना है 1 केजी 350 ग्राम का। तो सबसे पहले 1 केजी का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 2 केजी का जितना है उसको 2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 125 रुपया। तो 1 केजी फल का दाम, यानी 1 किलो फल का दाम आ गया 125 रुपया। अब हमें निकालना है 350 ग्राम का दाम। तो 350 ग्राम से पहले 100 ग्राम का दाम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो दाम 1 केजी का है उसको 10 से भाग कर देंगे, ठीक है। जो दाम 1 केजी 1 किलो का है उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12.5, यानी 12.5 रुपया, ठीक। 100 ग्राम का आ गया 12.5 रुपया। तो यहाँ निकालना हमें 350 ग्राम, यानी 300 प्लस 50। तो पहले 300 ग्राम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? जो 100 ग्राम का आया है 12.5 रुपया, उसको 3 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 37.5 रुपया। 37.5 रुपया आ गया 300 ग्राम का। 50 ग्राम में और निकालना है, तो 50 ग्राम कितना हो जाएगा? 100 ग्राम में 12.5 रुपया, तो 12.5 का आधा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50 ग्राम का, तो ये हो जाएगा 6.25 रुपया, ठीक है। 6.25 50 ग्राम का आ गया। तो इसे और जो 1 किलो का दाम है, इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1 किलो 350 ग्राम का। तो कितना कितना है? 125 रुपया, फिर है 300 ग्राम का 37.5, और 50 ग्राम का है 6.25। तो तीनों को प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा 5, 7.5, 7, 12, 12, 6, 18 के 8, हासिल 1, 1, 2, 3, 3, 6, और यह आ गया 1। तो टोटल आ गया 168.75। तो 1 किलो 350 ग्राम का दाम आ गया 168.75। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के सवाल को आसानी से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।